आज का जो प्रोग्राम है आपको ऑलरेडी बताया गया
गोरखधाम हम आज के प्रोग्राम के बारे में जानेंगे कि क्यों ऐसे उत्सवों की आवश्यकता है, और उसके बाद छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो आपके सामने परफॉर्म करेंगे, बड़े लोगों के सामने, बड़े लोग आराम से देखेंगे और बच्चे आराम से परफॉर्म करेंगे, और उसके बाद जितने लोगों का आज बर्थडे है, एनिवर्सरी है, जिन लोगों का बर्थडे एनिवर्सरी है वो लोग केक काटेंगे, बाकी सब लोग कीर्तन करेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि ऐसे ही उनका हर साल बर्थडे आता रहे और एनिवर्सरी आता रहे। हरे कृष्णा। तो हम देखते हैं हम जीवन में बहुत सारे उत्सव मनाते हैं, होता है तो इस प्रकार हम घरों के अंदर उत्सव मनाते हैं, कोई किटी पार्टी, कोई बर्थडे, कोई फेस्टिवल। हरे कृष्णा। आपको इधर ध्यान देना है, बाकी दुनिया में क्या चल रहा है आपसे कोई लेना देना नहीं है। आप जितना ध्यान पूर्वक सुनेंगे उतना आपको जो तीन ताप हैं, जो बहुत ही संसार के तीन ताप है, आध्यात्मिक कलेश, आज भौतिक कलेश और आज दैविक कलेश, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे जब तक आप ध्यान से सुनेंगे। और जैसे ही आपका ध्यान यहाँ से गया तो तीन ताप आपको तुरंत गर्मी, ठंड, ये सब लगने लगेगा, लेकिन जब तक हम ध्यान से सुनेंगे जब तक कुछ नहीं असर करेगा। जब परीक्षित महाराज 7 दिनों तक लगातार कथा श्रवण करते हैं सुखदेव गोस्वामी के मुख से, तो जब तक वो कथा श्रवण कर रहे थे 7 दिन तक, तो उनको ना भूख लग रही थी ना प्यास लग रही थी, उनके अगल आस पास में कौन व्यक्ति आ रहा है, कैसी साड़ी पहनी हुई है, कब उठ के चला गया, कुछ नहीं पता था उनको, समझ आ रहा है, क्योंकि वो ध्यान से सुन रहे थे। अगर हम ध्यान से नहीं सुनेंगे तो इधर उधर चेहरा जाएगा हमारा, किसी और को देखेंगे, तो हम वो कार्य करने नहीं आए यहाँ पे, क्या हम सुनने आए, श्रवण करने आए। इसीलिए ध्यान पूर्वक सुनना है, जो भगवान के बारे में आपको बताया जा रहा है उसको आपको ध्यान पूर्वक सुनना है, ठीक है। पूछूंगा मैं आपसे बाद में, सबका एग्जाम होगा, और जो लोग मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे उनको ना केक मिलेगा ना प्रसाद मिलेगा, तो ध्यान पूर्वक सुनना है सबको। आने वाले आते रहेंगे, जाने वाले जाते रहेंगे, कोई आएगा कोई जाएगा, हमको यही रहना है, लेकिन रहना नहीं रहना, इसीलिए ध्यान से सुनना। तो इन उत्सवों के पीछे, मनाने के पीछे उद्देश्य रहता है। जिस प्रकार हम भगवान से संबंधित उत्सव मनाते हैं तो उसमें हमारा उद्देश्य रहता है कि भगवान के साथ जो संबंध है हमारे उसको अच्छे करना। क्या मकसद है? कि भगवान के साथ जो हमारे संबंध है उनको अच्छे करना। और जब हम ऐसे भौतिक त्योहार, जिनका शास्त्रों में उल्लेख नहीं है, शास्त्रों में उल्लेख नहीं है कि बर्थडे या एनिवर्सरी मनाए, लेकिन फिर ये मनाते हैं, जब हम भौतिक संसार में घरों में ऐसे उत्सवों का आयोजन करते हैं, तो उसके पीछे का मकसद क्या रहता है कि हमारे जो आपस में संबंध हैं वो सुधर जाए। घरों में जो हम किटी पार्टी या कोई भी, चलो सब लोगों को बुलाते हैं और छोटा सा कुछ पार्टी रख लिया, कुछ उत्सव बना लिया, कोई बर्थडे बना लिया, उसके पीछे का मकसद क्या है कि हमारे आपस के जो घर वालों के संबंध हैं वो क्या होना चाहिए, वो सुधरना चाहिए, इसीलिए मनाते हैं ना, इसीलिए मनाते हैं। हाथ खड़ा लीजिए कौन एग्री करते हैं। हम जितने भी उत्सव मनाते हैं घर में वो इसलिए मनाते हैं कि घर सब लोग भेंटा होंगे, जो हमारे गिले शिकवे हैं वो सब दूर होंगे, और फिर से जो हमारे संबंध है वो क्या होंगे, अच्छे होंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश दुर्भाग्यवश हमारा उद्देश्य तो यही रहता है कि संबंध अच्छे हो, लेकिन दुर्भाग्यवश वो संबंध अच्छे नहीं हो पाते, उल्टा हम सबको एकत्रित करने के लिए उत्सव मनाते हैं और वहीं लड़ाई हो जाती है। तो क्यों लड़ाई होती है? क्योंकि जो हमारा उद्देश्य है वो भौतिक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जैसे मान लो किसी का बर्थडे है, एक व्यक्ति का बर्थडे है, तो क्या है कि हर व्यक्ति पूरे घर में खुशी का माहौल होता है, और हर व्यक्ति
उसी का ग्लोरिफिकेशन कर रहा है, उसी का गुणगान कर रहा है, उसी का सेलिब्रेट करना चाहता है, तो पूरे घर में क्या है, खुशी का माहौल है। क्योंकि जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, जो आकर्षण का केंद्र है, एक व्यक्ति है, तो खुशी का माहौल है। तो अगर उसी फेस्टिवल में, उसी उत्सव में हर व्यक्ति अपने आप को आकर्षण का केंद्र मानेगा, बर्थडे किसी और का है, उससे सुंदर तो मैं दिख रहा हूँ, मैं दिख रही हूँ, तो क्या होगा, उस उत्सव में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो जब तक वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, वो व्यक्ति आकर्षण का केंद्र है, तो तब तक खुशियां हैं, सब लोग खुश है। और जैसे ही हर व्यक्ति अपने आप को आकर्षण का केंद्र मानता है, तो क्या होगा, वही ईर्ष्या में चला जाएगा। तो इसीलिए वैसे तो इन उत्सवों का शास्त्र उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर क्या मना सकते हैं, लेकिन आकर्षण का केंद्र किसको बनाना है, भगवान कृष्ण को। अगर हम इन उत्सवों को के पीछे जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, हम भगवान के संबंध स्थापित करना चाहते हैं और आपस में भी संबंधों को सुधारना चाहते हैं, तो बीच में किसको लाना पड़ेगा, अपने आप को, किसको लाना पड़ेगा, भगवान को लाना पड़ेगा। तो भगवान जब आकर्षण का केंद्र होंगे, जब भगवान के लिए हर व्यक्ति सेवा करेगा, भगवान के लिए केक बनाया, भगवान का गुणगान हो रहा है, भगवान के छप्पर को बनाया जा रहा है, बाद में प्रसाद रूप में खाएंगे, तो हर चीज किसके लिए हो रही है, भगवान के लिए। छोटे छोटे बच्चे ड्रामा करेंगे, वो तो किसके लिए करेंगे, आप लोग के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं। क्योंकि भगवान जब खुश हो जाएंगे, आप लोग खुश होंगे, कुछ नहीं होगे, खाली दो ताली जाने के अलावा, लेकिन भगवान, भगवान बहुत खुश रहेंगे। तो जो कुछ भी कार्य होता है, उस उत्सव में अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे, तो वो बर्थडे फेस्टिवल या मैरिज एनिवर्सरी या कोई और उत्सव, वो उसको करने से जो उद्देश्य है वो पूरा होगा, वो सार्थक होगा हमारा उत्सव बनाना। अगर भगवान केंद्र में नहीं है और किसी होटल में जाकर पार्टी चल रही आराम से, तो उससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, ना हमारा परिवार खुश होगा, परिवार नाइयां बढ़ेंगी और हमारी जेब भी खाली होगी, पैसा भी ज्यादा खर्च होगा। तो इसीलिए अगर हमें मनाए, ना मनाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मनाने भी है हमको ऐसे उत्सव, तो इस्कॉन आपको ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है, ऐसा रास्ता बता रहा है कि आप इस्कॉन के मंदिर में आके अपने ऐसे उत्सवों को भगवान के साथ मना सकते हैं। हरि बोल। अभी तक कितने लोगों ने अपना अपना बर्थडे मैरिज एनिवर्सरी बना चुके हैं पिछले महीनों में, आज सीधे खड़े करो, तो बहुत सारे लोग बना चुके हैं, और आज किस किस का है, आज कब लोगों का है, तो आज मतलब पिछले एक महीने के दौरान है। तो जब हम उन उत्सवों को भगवान के साथ मनाते हैं, तो पहले तो भगवान की कृपा आपको मिलेगी, है ना। और अगर हम मना रहे हैं, अगर हमारा बर्थडे है, हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, तो हमारे जो घर वाले हैं वो भी आएंगे, उसमें आएंगे नहीं आएंगे, तो हमने उनको भी मौका दिया भगवान से जोड़ने का, भगवान के मंदिर आने का, हमारे कारण वो मंदिर आ रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, कीर्तन सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, तो उनको जो क्रेडिट मिलेगा, उनको जो कृपा मिलेगी भगवान की, उसमें से कुछ कमीशन 10% किसको मिलेगा, मुझे मिलेगा, किसको मिलेगा, जो लेके आया हूं। तो कितने सारे फायदे हैं अगर हम भगवान के मंदिर में आके अपना बर्थडे एनिवर्सरी बनाएंगे, तो कितने लोगों का फ्यूचर में आने वाला है और चाहते हैं भविष्य मेरा बढ़ जाएगा तो यही बनाऊंगा, 100 लोगों को लेके आऊंगा और प्रचार स्पर्धा करूंगा। तो सब लोग बैठ सकते हैं, खड़े होकर डाल देगी। तो इसलिए हमको क्या करना है, ऐसे उत्सवों को भगवान के साथ सेलिब्रेट करना है। भगवान के साथ सेलिब्रेट करेंगे तो भगवान की कृपा होगी, हमारी दीर्घायु होगी, तो हमारा जन्म सार्थक होगा। और इसके साथ साथ जो हमारा जन्म लेने का जो उद्देश्य है, जो गोल है, जो लक्ष्य है, क्यों जन्म हमने लिया है, वो हमें पता पड़ेगा।
और उस लक्ष्य को हासिल करने में भगवान हमारी मदद भी करेंगे। नहीं तो क्या होता है, अगर बाहर हम बैठे सेशन बनाएंगे है ना, एक इधर पी के पड़ा हुआ है, एक इधर पी के पड़ा हुआ है, एक उधर पी के गिरे हैं, तो उस फेस्टिवल में आनंद नहीं आता। क्या है वो तमोगुणी फेस्टिवल है, लेकिन यहाँ पर हर चीज क्या है, सतोगुण में है। तो सतोगुण का जो आनंद होता है वो सर्वश्रेष्ठ है, और तमोगुणी का आनंद है वो बिल्कुल बेकार है। जैसे कई बार क्या होता है कि लोग शराब ज्यादा पीते हैं और उनको लगता है कि शराब पी के जो आनंद मिलता है वो किसी भी चीज में आनंद नहीं है। उनको ऐसा लगता है शराब पी के गटर में गिर के ऐसा लगता है हम बिल्कुल मखमली गद्दे में पड़े हुए हैं, इतना आनंद आता है लोगों को कहना है। लेकिन वो क्या है, वो तमोगुणी है, वो अनकॉन्शियस है, उसके बाद उसको कोई होश ही नहीं है, वो फील ही नहीं कर पा रहा, तो उसको आनंद नहीं कहते। आनंद किसको कहते हैं, जो आपको यहाँ बैठकर कीर्तन में कथा श्रवण में प्रसाद खाने में बोलता है वो उसकी आनंद है। तो इसीलिए इस आनंद को लेते हुए और भगवान के साथ हमें ऐसे उत्सवों को मनाना चाहिए। तो जो पैसा हम बाहर जाके खर्च करने वाले हैं होटल वगैरह में, तो अगर आप 5-6 लोगों को लेके जाएंगे तो आपका 4-5 हजार रुपये मिलाएगा। तो उतना लक्ष्मी क्या है, आप यहाँ मंदिर में दे सकते हैं और उसी उत्सव को धूमधाम से मना सकते हैं कि वहां 4-5 लोग खाते, यहाँ पर 40,000 लोग खा सकते उतनी लक्ष्मी। और जब हम भक्तों को खिलाएंगे तो भक्तों की कृपा भी हम पर होगी, क्योंकि जब हम ऐसे फेस्टिवल होता है करते हैं तो प्रसाद भी बनता है ना, इतना सारा अरेंजमेंट आप देख रहे हैं, उतना सारा अरेंजमेंट होता है, बच्चे ही परफॉर्म करेंगे, कितने लोगों के बच्चे हैं परफॉर्म कर रहे हैं, हाथ खड़ा कीजिए, आपके बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, बाकी लोग के बच्चे क्या कर रहे हैं, गानों पर डांस कर रहे हैं। तो आज जिनके बच्चे डांस परफॉर्म कर रहे हैं इनको करते हुए देखेंगे तो आप भी इंस्पायर होंगे, तो अगली बार आप अपने बच्चों को भी लेके आएंगे, उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी। चाहते हैं वैसा, कितने लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी ऐसे बने, बाकी लोग क्या चाहते हैं, रावण से पढ़ना। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सीताराम जैसे बने तो उनको क्या करना है, मंदिर में लेके आना है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं नहीं मेरे बच्चे जाकर रावण सुपर का जैसे बने, तो आप किसी भी मूवीज में टॉकीज में हॉल्स में कहीं भी लेके जा सकते हैं, हर जगह वो ऐसे ही बनेंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि सही हमारे जो संस्कृति है हमारे बच्चे सीखे, नहीं तो बाद में जाके किसी फिल्म के माध्यम से अपने माँ बाप को गाली ना करके आपने कुछ सिखाया नहीं अपने धर्म के बारे में, अगर ऐसा आप सुनना नहीं चाहते फ्यूचर में भविष्य में कि बच्चे आगे जाके आपको बोले कि मम्मी पापा आपने तो हमें अपने धर्म के बारे में कुछ बताया ही नहीं, और आप बोले मुझे ही पता तुझे का तो बताऊंगा, तो पहले आप खुद सीखे अपने धर्म के बारे में। सनातन धर्म पता है, सनातन का मतलब क्या होता है, शाश्वत, जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, हमेशा से है। बाकी जो सुपर धर्म है बाद में बने, लेकिन जो सनातन धर्म है वो हमेशा से है। तो उस धर्म की जानकारी होना हमें आवश्यक है, वो जब होगी जब हम मंदिर आएंगे भगवदगीता की शिक्षा को सीखेंगे तब हम अपने बच्चों को उस शिक्षा को बता पाएंगे। तो बच्चों को भी लेके आना है, उनको भी आपको ऐसी ट्रेन करना है इनकी तरह ये कहीं ऊपर से नहीं गिरे। आप लोग ऊपर से आए, कहाँ से आए, नीचे से आए ना, नीचे से आए, ऊपर से कोई नहीं आया। तो आपके बच्चे भी ऐसे ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं और ऐसे सुंदर सुंदर परफॉर्मेंस वो भी दे सकते हैं। तो इसलिए इतना बड़ा आयोजन किया गया है कि किसी न किसी वजह से किसी न किसी कारण से हम नए नए लोगों को आकर्षित कर पाए। तो ये एक प्रकार व्यक्ति मंदिर में आए भगवान का कीर्तन सुने किसी न किसी माध्यम से अपने शरीर को अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए, चाहे डांस करके लगाए, चाहे कीर्तन करके लगाए, चाहे खड़ा होकर लगाए, चाहे कुछ परफॉर्म करके लगाए, चाहे ड्रामा करके लगाए, लेकिन भगवान की सेवा में अपनी जो एनर्जी है जो शक्ति है जो कौशल है उसको भगवान की सेवा में लगाए। इसीलिए सारा ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा काम धाम
किया गया है कि आप लोग ये स्किल बता रहे हैं, फिर फैमिली भगवान की सेवा में लग पाए। तो आज कुछ लोग सेवा कर पा रहे हैं और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उनके पास भी मौका है कि जो आगे आने वाले दिनों में जो उत्सव होंगे तो आप भी कुछ न कुछ योगदान कर सकते हैं किसी भी माध्यम से, तन से, मन से, धन से। तो जैसे भगवान ने सामर्थ्य दिया है प्रसाद स्पॉन्सर करके, बच्चों को ट्रेन करके, खुद कोई परफॉर्मेंस करके, प्रसाद स्पॉन्सर करके, केक स्पॉन्सर करके, तो किसी न किसी तरह से हमें अपनी जो सामर्थ्य जो भगवान के द्वारा हमें दी गई है उसको भगवान की सेवा में लगाना है। और जब हम उन चीजों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो इतने सारे भक्तों की कृपा हमको मिलेगी। जिस प्रकार हम कई बार कोई स्पॉन्सरशिप करता है, कोई डोनेशन देता है, तो क्या है उसके लिए हम इतने भक्तों से हरे कृष्ण बुलवाते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपके लिए एक नहीं, दो नहीं, सौ नहीं, दो ढाई सौ लोग एक साथ प्रार्थना करें भगवान से, तो जब ढाई सौ लोग एक साथ हरे कृष्ण बोलते हैं तो भगवान भी देखते हैं कहां से वाला लिए है ना। और भगवान देखते हैं आवाज आई कुछ, तो जब तक मजबूत प्रार्थना नहीं होगी तब तक भगवान भी देखेंगे। तो जब ढाई तीन सौ लोग एक साथ प्रार्थना करेंगे आपके लिए तो भगवान को भी नीचे देखना पड़ेगा, अरे सौ लोग इनमें कुछ हो रहा है ना। और फिर आपको क्या करेंगे, कृपा देंगे, अपना आशीर्वाद देंगे। तो कितने लोग कृपा चाहते हैं भगवान की, सब लोग चाहते हैं, लेकिन कृपा प्राप्त करने के लिए आपको कुछ प्रयास करना पड़ेगा, भगवान को आकर्षित करना पड़ेगा कृपा के लिए तब। और आकर्षित करने के लिए मैंने बहुत सारे उपाय आपको बताए, तन से, मन से, धन से, जिस प्रकार हम सेवा कर सकते हैं हमें यथा सामर्थ्य उत्साह से जितना भगवान ने दिया है उससे ज्यादा है ना। भगवान की सेवा करने का मतलब है इतना हमें इतनी सेवा करनी है कि कुछ दर्द हो अंदर, कुछ मैंने दिया, जब तक दर्द नहीं तब तक वो सेवा नहीं, कि अंदर से कुछ लगे मैं दिया था इतना, तब तो आपने कुछ दिया। ऐसा नहीं आप आए दस करोड़ यहाँ पर डाल के चले गए तो कुछ दर्द नहीं हुआ उसमें, फिर कोई दर्द हुआ दस करोड़ डाल दे ठीक है, दस करोड़ तो वैसे गिर जाता है बेकार को भी दे देते हैं। तो जब लाखों करोड़ रुपए दोगे आपको कुछ दर्द होगा, कुछ दिया मैंने अपने। तो इसका मतलब है कि अपने सामर्थ्य के हिसाब से हम देंगे तो हमें कुछ दर्द महसूस होना चाहिए, तब भगवान प्रसन्न होंगे कि हाँ अब इसने कुछ दिया है। तो अपनी यथा सम्मान से, यथा सामर्थ्य से हमको कुछ न कुछ भगवान की सेवा इस प्रोग्राम के माध्यम से करनी है, और जिससे कि हम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो इन उत्सवों के पीछे मकसद ये है कि सब साथ में मिलकर आए, भगवान की भक्ति करें, बच्चों को आगे करें, परफॉर्म करें, कीर्तन करें, केक काटें, और जिससे कि भगवान की कृपा हम सबको मिलेगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अभी आगे जो कि आप ही लोगों के बीच में से जो हो उन्हीं लोगों ने बहुत अच्छी कड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए भगवान जगन्नाथ जी जगन्नाथ के लिए एक सुंदर सा प्ले तैयार किया है, पर वो प्ले क्या शिक्षा दे रहा है उस प्ले की परफॉर्मेंस के बाद हम आप लोगों से पूछेंगे, आप ही लोग बताएंगे कि उस प्ले से आपने क्या सीखा। तो एक बार हरे कृष्णा मंत्र के द्वारा हम लोग प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे, प्रभु जी भी हमारे साथ ही बन रहे थे एंड तक। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो खाने जा रहे और पुरानी बात है सुशील राज्य
चित्र के नाम के महान राजा राज्य किया करते थे, उनकी बहुत सारी रानियां थी। राजा के समर्थ होने पर भी उनकी कोई रानी में सत्ता नहीं दे पाई। राज का कोई उत्तराधिकारी ना हो, राजा बहुत उदास बहुत परेशान रहते थे। ऐसे लोग थे उनके महल में महर्षि कुंभीला बता रहे। महाराज की जय हो। क्या समाचार लाए लोग? महाराज से मिलने महर्षि अंगीरा स्वयं महल में बता रहे। महर्षि अंगीरा बता रहे हमारे महल में
की मृत्यु से राजा इतना तड़प उठा था कि उसके स्वयं की मरण जैसी अवस्था हो गई थी। जब राजा अपने पुत्र के विछो में तड़प रहा था उसी समय महर्षि वीरा अपने परम मित्र देवर्षि नारद के साथ वहां प्रकट हुए। अज्ञान के अंधकार से बाहर निकलो राजन, श्री प्रहलाद के घर में हो, श्री की पुत्र शुमारी आत्मा अलग होती है। शरीर के रूप में तुम्हें जो कुछ भी मिला है उसे बिछड़ना ही है राजन। परंतु मैं क्या करूं भगवान, ये तो मेरा कोई वश नहीं, मेरा कोई वश नहीं। उसे तुम अपना पुत्र कह रहे हो राजन, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए कितने व्याकुल हैं। मेरे माता पिता, मेरे तो कोई पिता है ना माता, मैं तो कितनी ही माता पिता से जन्म ले चुका हूँ। मेरे असली पिता तो परम पिता परमात्मा है। सच तो ये है मैं शरीर नहीं शाश्वत आत्मा हूँ। शरीर तो बचपन से बुला देने की यात्रा है, मैं तो जन्म जन्मों से आत्मा की यात्रा कर रहा हूँ। आप मुझे अपने शरीर का अंत समझते हैं? आप स्वयं किसके शरीर का अंश है? शरीर का जन्म और मृत्यु सब उसी की इच्छा है, उससे संबंध बनाएंगे। आपकी भूख अपने आप बिछ जाएगी, भगवान का हुकुम कीजिए, वही सच है। हे प्रभु, इन्हें धीरज देना। राजा और रानी ने खुद को प्रभु की इच्छा के साथ समर्पित कर दिया। ऐसा करने से Thank you.
जगन्नाथ जी का प्रणाम करते हैं।
सैटरडे को शाम को 7:30 से 8:30 लेते और सुबह ही कृपा से और आप सबको की कृपा से प्रयास करते हैं कि ये बच्चे शास्त्रों से अपनी संस्कृति से जुड़े कुछ सीख पाए कुछ समझ पाए। तो मैं प्रभु जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्रभु जी बच्चों को आशीर्वाद भी दे और अपना कैसे भी दे। हरे कृष्ण। आप लोगों को अच्छा लगा? अच्छा, आप कैसे इतने लोग ऐसे हैं जिनको जो उन्होंने जो सुना याद है? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये श्लोक याद है? तो आप समझ सकते हो कि कितनी वैल्यू है, यानी जो हमें याद नहीं है वो कितने छोटे हो रहे हैं बच्चों के लिए याद है। तो एक बार पूरे हृदय से धन्यवाद करेंगे खूब जोर से हरे कृष्ण बोल के। हरे कृष्ण हरे सभी बच्चों के लिए छोटा छोटा गिफ्ट है, सब लोग लेके जाएंगे। ताली बजाते हुए सबको निकी शर्मा माता जी, अंश पाठक प्रभु जी, अंश
आगे बेटा ऊपर आओ, नदिया ऊपर आइए, अंश ऊपर आइए, और ये हमारे विकास प्रभु जी विकास का है, अंश ऊपर आओ। हर पल हमारे जीवन में चमत्कार है,
आज एक साथ आप लोग खुद होगी एक दूसरे को जानते होंगे, मेरे लिए एक भी चेहरा यहाँ पर उपस्थित नहीं है, ये ठाकुर जी ही हैं जो सारे सब चेहरों में मुझे दिख रहे हैं। मैं आप सबको मंदिर के व्यवस्थापकों को यहाँ के हर एक कार्यकर्ता को तहे दिल से अपना शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतनी मेहनत और इतने निस्वार्थ से इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया। यू ऑल अप्रिशिएट मच मच डिजर्विंग यू नो बनारस का हूँ, काशी नगरी का हूँ, यहाँ मैं पिछले कुछ सालों से रहता हूँ। अगर काशी की यात्रा किसी को करनी हो, किसी को किसी तरीके की भी कोई सूचना चाहिए, किसी को अरेंजमेंट चाहिए, कोई कहीं भी अगर जाता है, मैं अपना नंबर यहाँ शेयर कर दूंगा, आप किसी भी वक्त मुझे निसंकोच रीच कर सकते हैं। मेरे सौभाग्य होगा कि मैं आप लोग के किसी काम आ सकूंगा। मैं आप लोग की क्या मेरी सेवा श्री जी के लिए समर्पित है। हरि बोल। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.
Thank you.